मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की उस खबर की तरफ जिस खबर पर आज उन लोगों की नज़र लगी हुई है जो लोग वेल क्वालिफाइड है, जो ग्रेजुएट है, जो लोग अपने मत का, अपने वोट का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए करने वाले हैं जो वेल क्वालिफाइड है और पढ़े लिखे लोगों का आमदार है। MIM के एक उम्मीदवार हैं डॉक्टर कुणाल खरात, ये आज परभनी आए हुए थे और परभनी में MIM के कार्यकर्ताओं की उन्होंने सभा ली है और क्या कहा है इन्होंने, आइए जानते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दबे कुचले लोगों की आवाज उठाती है कि बताने के लिए इस मीटिंग का यहाँ पर आगाज किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज इस मतदान संख्या के अंदर 3 लाख वोट है, 93,000 मुसलमान, आप कैसे वोट लाना है। हमने आज हमारे भाई कुणाल खरात साहब को हमारे प्रदेश अध्यक्ष मजबूत करने के लिए आजी बाजी पदाधिकारियों को बात कर हर मसले के ऊपर उनको जोड़ना चाहिए। जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा था पीछे, तो ऑनलाइन एजुकेशन के मसले की वजह से उन्होंने सुसाइड कर दिए थे, वो उनका किसी भी पार्टी ने नहीं उठाई थी कि ऑनलाइन शिक्षण के कुछ बैड इंप्रेशन भी है, सिर्फ एक पार्टी नाम किया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब को इसके आवाज में। और दूसरी बात, हमारी पूरी परभनी की टीम सक्षम है, कोई कमजोर टीम नहीं। सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन के ऊपर पद का जो है सो भार दिया हुआ है, उन्होंने अपनी अपनी मेहनत से अपना अपना संगठन तैयार करना चाहिए। आपल्याला बटन दाबायचं नाही आहे, जेव्हा आपण मध्ये जातो तेव्हा एक आपल्या पसंती क्रमांकाचं एक आपल्याला लिस्ट देण्यात येते, त्याच्यामध्ये 35 उमेदवार असतात आणि आपल्याला सर्वात चांगला उमेदवार कोणता आहे, सर्वात चांगला उमेदवार कोणता, त्याच्या पुढे आपण एक नंबर टाकायचा, एक तर रोमन, एक तर मराठी किंवा इंग्लिश शाखांमध्ये, त्यानंतर ज्याच्यानंतर कोण आहे 2 नंबर, त्याच्यानंतर कोण आहे 3 नंबर, पुन्हा टाकलं तर टाकलं, नाही पण टाकलं तर चालतात। EVM नहीं है, बैलेट पेपर से वोट करना है तो इसमें अपने पसंद की नहीं, तो अपने भाई चॉइस मतदान देगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो वही हिसाब से हमने बताया कि हमारा उम्मीदवार नंबर 5 पे है, डॉक्टर कुणाल खरात साहब है, पतंग उनका सिंबल है, उसके सामने एक लिखना है, चाहे आप मराठी में लिखें, इंग्लिश में लिखें या रोमन में लिखें। तो ये अलहमदुल्ला हम हमारे लोगों के खुशी से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जा के समझा रहे हैं, खासतौर पर हम जो परभनी में काफ़ी ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो बेरोजगार है, उनको भी जा सकते हैं, उसके लिए हमने एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है, तो ऐसे 200 से 250 की लिस्ट है हमारे पास जो स्टूडेंट है, जैसे खास तौर पर दादा हो गए, नियाज नगर हो गया, हैदराबाद का भट्टा हो गया, तो ये तकरीबन 250 की इस लिस्ट हम लोग अपने सब काम कर रहे हैं, और ये मोबाइल नंबर जैसा हमारे पास रेडी है, तो उनको हम तुरंत भी मैसेज करने लगे हैं और फोन से बात करके हम समझेंगे और इंशाल्लाह हमने एक पैटर्न भी बनाया है मैसेज। मौलाना साहब है, ये सबको मेरा जय भीम जय भीम। दोस्तों आप एक देखिए कि इलेक्शन पहले आपको समझना पड़ेगा ये क्या है। सब लोग सोच रहे होंगे कि ये इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, क्या होता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ने कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन की। ये इलेक्शन समझ में आया तो मैं बोलूँगा, अगर ये इलेक्शन की वोटिंग कैसी करना है वो अगर समझ में आई, ये वोटिंग डालना कैसे है वो अगर समझ में आई, तो अगले 50 साल तक यहाँ पे MIM का आमदार रहेगा। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, इसलिए हमने बैरिस्टर सतुल रवि साहब से पूछा कि हम क्या करें। उन्होंने कहा अपनी ताकत बनाओ, अपना उम्मीदवार पेश करो, उसको पहला प्रेफरेंस दो, दलित भाइयों को साथ में लो, आदिवासियों को साथ में लो और हमें कोशिश करें। नतीजा और कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में, हम पूरी ताकत के साथ बात की कोशिश कर रहे हैं कि कुणाल गौतम खरात को हम कामयाब करें। की बात हो गई डॉक्टर कुणाल साहब से, ये आम जनता की तरफ से गुजारिश है, उसमें मैं भी हूं। ये ग्रेजुएट लोग वोट दे रहे हैं आपको, प्रथम नंबर 1 बता रहे हैं, मगर हमको पिछले दिनों में 12 साल से धोखा हुआ, आज से नहीं, और वो 12 साल से इसीलिए धोखा हुआ कि
और ये 12 साल धोखा खाए इसीलिए एमआईएम ने आप बंदा खड़ा किया है। मगर फिर खड़े होने के बाद गुजारिश है कि जय मीम और जय भीम ये नारे ही न हो। हमारे मराठवाड़े के ये पद विधर के प्रॉब्लम को आप रोजाना हल करेंगे तो यकीनन 50 साल ही नहीं, जब तक भारतवर्ष में इलेक्शन होता रहेगा आप जैसे लोग ही हमारे लोग चुनते रहे। तो ये है कामयाब बनाने के लिए किस तरह से कोशिश कर सकती है ये मुख्यमंत्री का और एक ड्यूटी का सबूत आप तमाम लोगों ने आज दिया है। और मैं डॉक्टर पूनम खरा साहब को परभनी जिला सदर होने के नाते तमाम अराकीन मजलिस की तरफ से यकीन दहानी दिलाता हूँ कि डॉक्टर पूनम खरा साहब को परभनी जिले से ज़्यादा एक नंबर की पसंदी का वोट परभनी जिले से मिलेगा, इस बात की मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ। और हमारे सीनियर मजलिसी कायदीन ने जो निर्णय लिया है डॉक्टर गुलाम खराज साहब को जो इस मैदान में उतारा है, ये मैदान हमारे लिए नया है। बुजुर्गों दोस्तों साथियों, ये मैदान हमारे लिए नया है। ये पदवीधर विधानसभा मतदान संघ का इलेक्शन है, इसकी इलेक्शन लड़ने की पद्धति अलग है, इसका इलेक्शन का आचार संहिता अलग है। आप देखेंगे तो अपने जो जनरल इलेक्शन होते हैं म्यूनसिपल काउंसिल विधानसभा लोकसभा ये सब इलेक्शन से अलग है। और खास बात है ये इलेक्शन बैलेट पेपर पे होगी, हमें भी इस बात की मालूमात होने के लिए बहुत अच्छा मौका हमारे स्टेट ने हमको फराहम करके दिया है, हमारे कायदीन ने हमें फराहम करके दिया है। हम अगर से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश पैदा करेंगे तो मैं हमारे अराकीन और पालू अध्यक्षों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज यहाँ की मीटिंग के बाद ये मैसेज लेके जाए कि गुलाम खरा साहब को मैं जो यकीन दहाने दिला रहा हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह परभनी जिले से वोट मिलते हैं, हम ये कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह गुलाम खरा साहब ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिया है और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब ने जो हमारे विश्वास दिया है और जो हमें वक्त दिया है, इंशाल्लाह हम इस वक्त का सौदा करें। औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघ के तालुक से हम लोग यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए, चुनाव प्रचार के लिए हम पूरा मराठवाड़ा घूम रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं। और आने वाले 1 तारीख को कुणाल गौतम खराज के सामने 1 नंबर का पसंदीदा वोट देकर जिताने के लिए हम लोग यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं। आवाज़ है अच्छी। मैं ये इलेक्शन MIM पार्टी की तरफ से हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। हमने पहली बार पार्टी का चुनाव यहाँ पे पदवीधर में लड़ना चालू किया है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ने वाले हैं, हमारे बारे में कोई अफवाह कोई फैलाए, हम लोग ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। वंचित बहुजन आगामी से हमारी कोई बात नहीं हो पाई, चूँकि एक पॉलिसी डिसीजन है और पार्टी के जिम्मेदार बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब इम्तियाज जलील साहब है, ना उनके तरफ से कोई ऑफर आई ना हमारे तरफ से कोई ऑफर गई। और दूसरी बात, ये एक प्रेफरेंशियल चुनाव है, इसमें वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आगे कोई बात हो। मगर ये बात सही है कि वंचित के साथ अगर माहिदा होता तो कुछ परिणाम और बेहतर हो सकता था, मगर एक बात सच्चाई है कि इस इलेक्शन में हमारा उनसे कोई माहिदा या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरा इस ज़िमन में आना हुआ कि मराठवाड़ा पदवीधर संघ से MIM के उम्मीदवार जनाब कुणाल खराज साहब, जिनका नंबर 5 है, उसके सामने 1 नंबर डाल के पहली पसंदी बनाकर उन्हें कामयाब बनाइए। MIM को कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। दलित, OBC, पिछड़े जाति, जितने भी पदवीधर के लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा। आज जो 12 साल पीछे से जो सतीश चौहान नाम का जो आमदार है पदवीधर के अंदर, किस बैकलॉग पे उसने एक भी ऐसी शब्द नहीं उठाया पदवीधर के लिए, एक भी ऐसा काम नहीं किया पदवीधर के लिए जो सराहना हो। लेकिन हमने जो उम्मीदवार दिया है वो बहुत ही पढ़ा लिखा, PhD प्रदान, MBA करे वाला उम्मीदवार है और महाराष्ट्र प्रदेश का स्टूडेंट विंग का MIM का प्रदेश अध्यक्ष है। तो मेरी सभी पदवीधर लोगों से गुजारिश है
के कुणाल खराज साहब के 5 नंबर के बटन के सामने एक पसंदीदा नंबर दबाकर कामयाब बनाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम, जय मीम। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए, इस दीपावली पर विशेष ऑफर पाए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याद है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कॉन्टैक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। परभणी आज तक, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।